इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट। कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय ये लड़ाई ना केंद्र की है, ना राज्य की है, ना कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सही सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। माननीय ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ाई और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक
व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है, तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां कर पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नष्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। माननीय एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। माननीय, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित नहीं होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। माननीय, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान हो।